लास्ट टाइम उन्होंने ईएमआई कंप्लीट कर लिया था पूरा, कुछ बचा है? ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट शुरू करते हैं। डालो चैप्टर, चैप्टर सेवन होगा ना, चैप्टर सेवन है ऑल्टरनेटिंग करंट। देखो चैप्टर बहुत बढ़िया है, पूरा मैथमेटिकल चैप्टर है। ऑल्टरनेटिंग करंट पढ़ने के लिए एक काम कर लेना कि कितने चाहिए तुमको, 20 चाहिए ना, मेरे से ले लो बाद में दे देना। नहीं ठीक है, लो लो, अब लेट आया है उसको ऑटो के पैसे देने होंगे तो क्या करे बेचारा, है ना। ऑल्टरनेटिंग करंट पढ़ने के लिए तुम एक काम कर लेना, दिमाग अपना घर पे रख जाना, बिना दिमाग पढ़ना केवल मैथ चलेगी बस, और कुछ नहीं है, प्योर मैथ है, कुछ लॉजिक तुमको लगाना ही नहीं है, ठीक है, 1% लॉजिक नहीं लगेगा। लेट कैसे होगा भाई, सही है, क्या कर सकते हैं। तो अच्छा एक बात बताओ, अल्टरनेटिंग करंट कभी सुनी है, देखी है? कब देखी थी लास्ट, लास्ट कब सुना है अल्टरनेटिंग करंट के बारे में? एसी अल्टरनेटिंग ही तो है, बंद कर दो पंखा, बंद कर दो। हाँ, ऑल्टरनेटिंग नाम से क्लियर करो, ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट चले, मीन ऐसी करंट जो टाइम के रिस्पेक्ट में कंटिन्यूसली अपने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को चेंज करती रहती है, उसको हम ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। सीधा खत्म, ऐसी करंट जो टाइम के रिस्पेक्ट में अपने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को चेंज करती रहती है, उसको क्या कहते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट। सबसे पहले इक्वेशन ही समझते हैं इसकी, इक्वेशन फॉर ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। देखो जो करंट है टाइम के रिस्पेक्ट में अपने मैग्नीट्यूड डायरेक्शन को चेंज कर रही है वो क्या है, ऑल्टरनेटिंग करंट। इसके रिस्पेक्ट में जो ईएमएफ होता है उसको आप ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ कहते हो। तो सबसे पहले इसकी इक्वेशन निकालते हैं, फिर इसके बारे में और ढंग से पढ़ेंगे। तो इक्वेशन निकालने के लिए वी हैव, देखो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन अगर तुम्हारा सही है तो चैप्टर तुम्हें आ जाएगा, अगर वो दोनों खराब है तो चैप्टर थोड़ी सी प्रॉब्लम करेगा। फ्लक्स क्या पढ़ा है तुमने, फाई इक्वल बी डॉट ए पढ़ा है, बी ए कॉस ओमेगा टी, थीटा इक्वल ओमेगा टी होता है, ओमेगा इक्वल थीटा बाई टी होता है ना। अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, फैराडे लॉ क्या कहता है, E इक्वल माइनस एन डी फाई बाय डी टी होता है, वैल्यू पुट करो, E इक्वल माइनस एन डी बाई डी टी अपनी जगह और बी ए कॉस ओमेगा टी, ठीक है, बी ए कॉन्स्टेंट है, कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, तो E इक्वल आ जाएगा माइनस एन बी ए बार था माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, माइनस माइनस प्लस, तो इक्वल हमें मिल जाता है एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। कॉन्सेप्ट समझो, फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ, ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू के लिए साइन ओमेगा टी कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए ओमेगा टी। तो इक्वल आप ई नॉट जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, एन बी ए ओमेगा, मैक्सिमम का तो मतलब उसकी पीक पे लिया। तो हमारे पास अल्टरनेटिंग ईएमएफ की इक्वेशन मिल जाती है इक्वल ई नॉट साइन ओमेगा टी। सिमिलरली फॉर करंट, करंट मिल जाएगी आई इक्वल आई नॉट साइन ओमेगा टी। आज के बाद ऐसी जो अल्टरनेटिंग करंट है इसकी इक्वेशन ध्यान रखोगे आई इक्वल आई नॉट साइन ओमेगा टी, या ईएमएफ के लिए आप ध्यान रखोगे ई इक्वल ई नॉट साइन ओमेगा टी। बात समझ आ रही नहीं आ रही, पहले बताओ। अब देखो क्या है, तुमने कहीं इक्वेशन देखी है एसएचएम में डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऐसे होती थी, या सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन यही होती थी वाई इक्वल ए साइन ओमेगा टी या एक्स इक्वल ए कॉस ओमेगा टी।
तो साइन या कॉस फंक्शन कौन सा फंक्शन होता था? हार्मोनिक फंक्शन होता था। और हार्मोनिक फंक्शंस क्या होते हैं? यही तो होते हैं, साइन चलता है एक्स एक्सिस में वाई, कि टाइम के रिस्पेक्ट में आपकी पोजीशन चेंज करते रहते हैं। इस वजह से इसको हम कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। अगर मैं साइन ग्राफ बनाऊं तो साइन कर्व कुछ ऐसा बनता था, यही तो बनता था ये। तो अल्टरनेटिंग करंट की जो डायग्राम मिलेगा तुमको इस तरीके से मिलेगा, अगर टाइम के रिस्पेक्ट में, और सपोज करो ये करंट जा रही है। कॉन्सेप्ट समझ लेना, एक एक बात समझ में आ जाएगी। बात समझ आई नहीं आई? देखो हर जगह क्या कर रही है, अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रही है, तो ऐसी करंट को क्या बोलेंगे? अल्टरनेटिंग करंट। अच्छा, इससे रिलेटेड कुछ छोटी छोटी डेफिनेशन समझ लेते हैं पहले। अगर मैं इससे रिलेटेड कुछ डेफिनेशन समझता हूँ तो सबसे पहले मुझे मिलती है पीक वैल्यू। पीक का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू। एसी की मैक्सिमम वैल्यू पीक वैल्यू कहलाती है। अब मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे तो एन बी ओमेगा आना चाहिए, या आई नॉट या ई नॉट। मैक्सिमम वैल्यू के लिए साइन ओमेगा टी कितना होना चाहिए? प्लस वन। तो ई इक्वल ई नॉट आपको क्या मिल जाता है? एन बी ए ओमेगा या आई मिल जाएगा। दूसरी बात आती है टाइम पीरियड। बातें समझ आ रही नहीं आ रही? पहले बताओ टाइम पीरियड क्या होता है। एक साइकिल को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है, ये ऑसिलेशंस को साइकिल को एक ही बात है। बात को समझना, यहां से चलो ये आपका एक साइकिल है टी, तो इतनी डिस्टेंस कवर करने में जो टाइम लगा होगा वो कहलाता है टाइम पीरियड। मीन टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन या वन साइकिल। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या बनना चाहिए? एंगुलर डिस्टेंस कितनी कवर करी? पाई ऊपर पाई नीचे, टू पाई। कौन सी वेलोसिटीज चल रहे थे? एंगुलर वेलोसिटीज। तो टाइम इक्वल क्या जाता है? टू पाई बाय ओमेगा। बट समझ में आ रहा है? हाँ या ना? अच्छा, नेक्स्ट आता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन वन सेकेंड। एक सेकेंड में कितने ऑसिलेशन बनते हैं वो फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो न्यू इक्वल बन जाता है वन बाई टी, तो न्यू इक्वल मिल जाता है ओमेगा अपॉन टू पाई। सही है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा और पढ़ते हैं। नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन वन सेकेंड। इंडिया में जो तुमको एसी मिलती है, अच्छा जितने अप्लायंसेस हैं सारे किसमें हैं? एसी में। ये सारे काम एसी में। जो बाहर से जो तुमको चार्ज आ रहा होता है, मीन करंट आ रही होती है, वो क्या होती है? एसी डीसी एसी होती है। तो कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगी। इंडिया में कितनी होती है फ्रीक्वेंसी? आप लोग ध्यान रखेंगे, इंडिया में जो एसी की फ्रीक्वेंसी मिलती है वो 50 हर्ट्ज़ मिलती है। जो इफेक्टिव वोल्टेज आपको मिलता है 220 वोल्ट मिलता है। ये डिजायरेबल मीन आइडियल वोल्टेज और आइडियल करंट कितनी मिलती है? इसको ऑन कर दो। कितनी मिलती है? वी कितना मिलता है? 50 हर्ट्ज़। सॉरी, फ्रीक्वेंसी कितनी मिलती है? 50 हर्ट्ज़। और वी कितना मिलता है? 220 वोल्ट। रट लो, 50 हर्ट्ज़ का मतलब क्या हुआ? देखो, एक साइकिल में एसी अपनी डायरेक्शन कितनी बार चेंज कर रही है? दो बार चेंज कर रही है। एक साइकिल में एसी अपनी साइकिल दो बार तो चेंज कर रही है, एक इधर एक इधर। तो एक साइकिल में दो डायरेक्शन, तो 50 साइकिल में 100 टाइम्स। तो एसी एक सेकंड में 100 टाइम्स अपनी डायरेक्शन चेंज करती है। जो अल्टरनेटिंग करंट है तुमको दिख रही है, ये पहले वो बल्ब, ये तो वाइट कलर के बल्ब है। पहले बल्ब आता था 10 रुपये वाला सूर्य बल्ब, येलो कलर का, उसको अगर ध्यान से देखो तो ऐसे 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 होता रहता था। क्यों? एक सेकंड में एसी कितनी बार? 100 टाइम्स अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है। ये देखो, यहाँ पे जब इस पॉइंट पे पहुँचेगा तो क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा। यहाँ पहुँचेगा तो सबसे तेज जलेगा। तो जीरो टू पीक, पीक टू जीरो, जीरो टू पीक, पीक टू जीरो। दो बार पीक हो रही है, दो बार जीरो हो रही है एक साइकिल में। तो 100 बार पीक, 100 बार जीरो एक साइकिल में। 100 बार जलती है, 100 बार बुझती है जो बल्ब आपके दिख रहे हैं एसी। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? एकदम क्लियर है? अच्छा, एक यहाँ पे क्वांटिटी और यहीं पे समझ लो, फेज। पी एच ए एस ई, फाई। एक ऐसी क्वांटिटी जो एसी की एंगुलर पोजीशन देती है। ऐसी क्वांटिटी जो एसी की क्या देती है बेटा? एंगुलर पोजीशन। जैसे यहाँ पे हो, कुछ ना कुछ तो एंगल बन रहा होगा ना इसका। यहाँ पे हो, कुछ ना कुछ तो एंगल बन रहा होगा।
तो जनरल इक्वेशन इसकी हम बना लेते हैं, आई इक्वल आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाई। आगे भी हो सकती है, पीछे भी हो सकती है, लेकिन ओमेगा टी मीन ओमेगा टी पहले आएगा, जो फेज होगा बाद में होगा। ऐसा कहीं नहीं लिख दोगे कि आई इक्वल आई नॉट साइन पाई बाई सिक्स प्लस ओमेगा टी, नहीं, ओमेगा टी प्लस पाई बाई सिक्स। आइडियल या जनरल इक्वेशन हमारे पास ये निकल के आएगी। कहानी समझ में आ रही नहीं आ रही, पहले बताओ पक्का? बेसिक चीज़ें थोड़ी बहुत समझ में आई, चलो फिर नोट करो। टाल वर्डिंग एसी अल्टरनेटिंग करंट, खत्म। पीक वैल्यू, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, फेज, ठीक। बेसिक चीज़ें आपने पढ़ ली। इक्वेशन ऑफ एसी अगर आपसे कोई पूछेगा, आई इक्वल आई नॉट साइन ओमेगा टी, ईएमएफ के लिए ई इक्वल ई नॉट साइन ओमेगा टी। देखो कॉस भी होता है, ऐसा नहीं है कि साइन ही रहेगा, वो तो बेस पे डिपेंड करेगा। अब हम लोग निकालेंगे एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, कि एसी की एवरेज कैसे निकलती है। एवरेज का मतलब क्या होता है? मीन। अगर बेसिक बात करूँ तो मीन का मतलब होता है, अच्छा एक बात और समझ लो, यहीं पे ख़त्म करते हैं। कहीं लिखा होगा एसी सोर्स और डीसी सोर्स। एसी सोर्स का मतलब ये होगा, इस तरीके का सिंबल कहीं बना होना, समझ जाओगे तुम एसी सोर्स है। और अगर ये सिंबल बना होगा तो समझ जाओगे डीसी सोर्स। एसी अल्टरनेट का सिंबल देता है, डीसी अपना ये वाला सिंबल देता है। डीसी जो डायरेक्ट है ना, डायरेक्ट करंट का अगर मैं कॉम्बिनेशन थोड़ा सा और समझ लूँ तो डायरेक्ट करंट ये तो ऐसे चलेगी या इस तरीके से चलेगी, या ये डायरेक्ट है, कुल मिला के नीचे नहीं आनी, नीचे आ जाएगी तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, और डायरेक्शन चेंज हो गई तो एसी बन जाएगी। ऊपर रहेगी मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है, डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। तो हम लोग पढ़ते हैं अब एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, किसी भी क्वांटिटी का एवरेज निकालने के लिए, कोई भी क्वांटिटी है, अगर आप उसका एवरेज निकालने जाते हो तो एवरेज का मतलब होता है मीन सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ठीक। यहाँ पे अगर मैं एसी की साइकिल को पढ़ूँ तो मुझे एसी की साइकिल इस तरीके से दिखती है। एक साइकिल एसी मुझे ये दिखी है ना, ये जो दिखती है जीरो से टी। अब आपको एवरेज वैल्यू दो जगह निकालनी पड़ेगी, एक कंप्लीट साइकिल के लिए और एक हाफ साइकिल के लिए। तो पहले हम लोग निकालते हैं फॉर कंप्लीट साइकिल, कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू निकालेंगे। किसी भी क्वांटिटी का एवरेज निकालना है तो आवाज एक फार्मूला सीधा सीधा रट लो। मान लो मुझे आई एवरेज चाहिए, मान लो जिस क्वांटिटी का एवरेज चाहिए उसको इंटीग्रेट करोगे, जिसके रिस्पेक्ट में चाहिए उसको इंटीग्रेट करोगे। तो टाइम के रिस्पेक्ट में चाहिए तो नीचे तो डी टी, ऊपर आई का एवरेज चाहिए तो आई डी टी। अब समस्या कितने टाइम के लिए चाहिए, चाहिए कितने टाइम के लिए फॉर कंप्लीट साइकिल, मीन जीरो टू टी। तो लोअर लिमिट हो गई जीरो, अपर लिमिट हो गई टी, या लोअर लिमिट हो गई जीरो, अपर लिमिट हो गई टी। बात समझ आ रही नहीं आ रही? तो एवरेज का आपको देसी फॉर्मूला याद रखना है, ये वही लिखा हुआ है जो हम पढ़ते हैं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, तो ये वही तो लिखा हुआ है। तो अब हमें एवरेज निकालने के लिए फॉर्मूला ध्यान रखना होगा, जीरो टू टू, जीरो टू टी आई डी टी अपॉन जीरो टू टी डी टी, ठीक है। किसका चाहिए? करेंट का। तो पीछे आपने करंट की एवरेज वैल्यू क्या पढ़ी, मीन करंट की इक्वेशन पढ़ी आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी अपॉन जीरो टू डी टी, ठीक। आई एवरेज इक्वल आई नॉट कॉन्स्टेंट है, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन बताओ, माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, ठीक है, मजा आ रहा है। कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा टी से जीरो, डी टी का बताओ, टी टी से जीरो। तो आई एवरेज आ जाएगा माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा, तो हो गया बाहर, टी की जगह टी माइनस टी की जगह जीरो, कॉस ओमेगा टी माइनस कॉस जीरो अपॉन टी माइनस जीरो, सही है। जहाँ जहाँ टी है, जैसे ये टी है यहाँ टी है, वहाँ टू पाई बाई ओमेगा रख दो, भी पीछे पड़ा है दो मिनट पहले, टी इक्वल टू पाई बाई ओमेगा पड़ा है, तो क्यों ओमेगा रखना, क्योंकि ओमेगा से ओमेगा में कैंसिल हो जाए, अगर पाई की टर्म में वैल्यू आएगी तो पाई की टर्म में तो वैल्यू ज़रा हमें पता होती है,
तो मैंने आई एवरेज इक्वल निकाला माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा कॉस ओमेगा इंटू टू पाई बाई टी माइनस कॉस जीरो कितना होता है वन और टू पाई बाई ओमेगा माइनस जीरो तो जीरो ये ओमेगा से ओमेगा खत्म हो गया कॉस टू पाई कितना होता है अरे और पढ़ो यार कॉस टू पाई जानते हो कहाँ पहुँचेगा जीरो से चले जीरो पे आ जाएगा टू पाई मतलब 360 डिग्री तो वन ही तो होगा कॉस पाई होता है माइनस वन या कॉस पाई कितना होता है जीरो ऐसे चलो ऐसे कॉस जीरो वन कॉस 90 जीरो कॉस पाई माइनस वन कॉस 270 जीरो फिर कॉस जीरो वन माइनस का वन होता है क्या कॉस पाई माइनस वन कॉस टू पाई वन होता है मैं मैथ का नहीं हूँ लेकिन मैथ तुम्हें समझा रहा हूँ अरे यहाँ से चलो ना ये जीरो है 90 180 270 360 तो यहाँ पे कितना घूमे टू पाई तो घूमे तो कॉस टू पाई क्या बना अरे कॉस टू पाई को क्या लिख सकते हो कॉस पाई प्लस पाई लिख सकते हो कॉस पाई प्लस पाई क्या आया कॉस 180 प्लस थीटा क्या होता है ओहो और समझो कॉस टू पाई को मैं कॉस टू पाई प्लस जीरो या माइनस जीरो लिख सकता हूँ तो कॉस टू पाई प्लस जीरो माइनस कॉस 360 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा ही तो होता है तो वन नहीं आ गया इतना टाइम कैसे मतलब मैथ वालों को फ़ोन करना पड़ेगा तुम्हारे तो हो गया तो यार क्या कर सकते हैं बताओ कॉस टू पाई वन वन माइनस वन कितना होता है जीरो तो कंप्लीट साइकिल के लिए एसी की एवरेज वैल्यू कितनी होती है जीरो तो मैथ के इसलिए तुम इस तरीके समझ गए मान लो देसी बच्चा बैठा होता बिल्कुल ब्लंट तो ऐसे समझाता मैं कि एक बाप के दो बच्चे हैं एवरेज वैल्यू निकालने का कॉन्सेप्ट समझ लो एक बाप कितने वाला है दो एक हाफ ये एक हाफ ये तो ये दो बच्चे हो गए ये 500 रुपये कमा रहा है और ये 500 रुपये खर्च कर रहा है बाप को कितना मिल रहा है तो बाप के पास एवरेज तो जीरो ही आ रहा है ये एसी की एवरेज वैल्यू मतलब फर्स्ट हाफ साइकिल में जितना पॉजिटिव एरिया कवर करता है उतना ही सेकेंड हाफ साइकिल में नेगेटिव एरिया कवर करता है इसलिए एसी की एवरेज वैल्यू फर्स्ट साइकिल में जीरो हो जाती है ठीक है नोट करो फटाफट एवरेज वैल्यू एसी की कितनी हो गई जीरो अब हमें निकालना है हाफ साइकिल के लिए तो हाफ साइकिल के लिए क्या करोगे अच्छा बताओ वो लिमिट चेंज कर दो यार हाफ साइकिल जीरो से टी बाई टू कर दो लिमिट पूरा क्वेश्चन सेम बस कंप्लीट की जगह लिख दो हाफ किसकी एवरेज वैल्यू निकाल लो आप हाफ साइकिल की तो मैंने यहाँ पे निकाल दिया हाफ साइकिल लिख दिया कहाँ से कहाँ तक करूँगा जीरो से टी बाई टू जीरो से टी बाई टू हाफ मतलब जीरो से टी बाई टू तो कितने स्टेप सेम ये सेम ये सेम यहाँ तक की बात समझ में आ रही है बिल्कुल बताओ अच्छा तो यहाँ भी टी बाई टू हो गया यहाँ भी टी बाई टू हो गया यहाँ लिमिट पुट कर दो यहाँ टू आ गया यहाँ टू आ गया बस लास्ट की दो लाइन मिटा लेते हैं तो यहाँ से अगर मैं वैल्यूज देखूँ तो टू पाई टू से टू कट जाएगा नीचे वाला भी काट देंगे यार तुम कह रहे हो तो ओमेगा से ओमेगा भी कहो तो काट दें अब बचा क्या आई एवरेज इक्वल माइनस आई नॉट अपॉन टू पाई नहीं पाई बचा यार देखो बेमानी नहीं टू कट चुका है कॉस पाई कितना होता है कान के नीचे इतनी तेज लगेगा ना अभी मतलब ट्वेल्थ में तो कॉस पाई नहीं पता माइनस वन हाँ 90 सोचे कॉस पाई मतलब 180 माइनस टू हो गया माइनस टू से माइनस कैंसिल आउट हो गया टू अपॉन पाई आई नॉट अभी पिटने चाहिए सब वैल्यूज याद करने हैं प्रैक्टिस आई एवरेज कितना आ गया टू अपॉन पाई इंटू आई नॉट और इसको सॉल्व कर लो यार मन कर रहा हो तो आई एवरेज इक्वल टू अपॉन 3.14 आई नॉट डिवाइड करो इसको तो 0.637 आई नॉट सही है और अच्छे से बात करते हो तो आई एवरेज इक्वल 63.7% ऑफ आई नॉट अगर ई एम एफ देना होगा तो मैं ई एवरेज इक्वल दे दूंगा वही सेम 2/π इंटू ई नॉट ठीक तो हाफ साइकिल में क्या करना था आपको बताओ लिमिट बस चेंज कर देनी
देखो क्वेश्चंस की कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस सबसे बड़ी चीज है। प्रैक्टिस की पावर को समझ नहीं पाओगे, प्रैक्टिस की पावर क्या है समझे। प्रैक्टिस की एक लाइन है, दो लाइन में कई बार सुनाता हूँ बच्चों को। एक पहलवान था, वो एक सभा में चला गया हजारों की भीड़ में, और ने एक नींबू निचोड़ा, नींबू निचोड़ के रख दिया, कह रहा अब जिसने इससे एक भी बूंद नींबू की निकाल दी मैं उसको 1,00,000 रुपए दूंगा। कॉन्सेप्ट समझना, एकदम बड़ी बात है यार। सब सोच रहा है पहलवान निचोड़ा, उसने निचोड़ा हुआ नींबू तो पहले ही था, कह रहा अब इसमें कहाँ से होगा। एक लड़का एकदम एवरेज बच्चा खड़ा हुआ, मरासा, ज़्यादा मोटा भी नहीं था, कह रहा साहब मैं निकालूंगा। पहलवान उसे कह रहा तुम निकालो, कह रहा ये सब इतने बैठे हैं तो मैं, कह रहा हाँ मैं निकालूंगा नींबू। वो गया और नींबू से निचोड़ा तो उससे एक नहीं दो तीन बूंदें टपक गई। पहलवान हक्का बक्का, कह रहा 1,00,000 रुपये तो मैं तुम्हें दे दूंगा लेकिन इतनी ताकत तुम लाए कहाँ से। कह रहा सर कोई बड़ी बात नहीं है, मैं गाजियाबाद मेरठ की बस में चने बेचता हूँ नींबू मिला के। मतलब उसका पूरे दिन का 50-55 नींबू निचोड़ने का ही काम था, रोज की प्रैक्टिस थी। सवालों की प्रैक्टिस किया करो, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आएगी नहीं फिजिक्स ना मैथ्स ना केमिस्ट्री। क्या तो ये चीत है, नोट हो गया। हाफ साइकिल की एवरेज वैल्यू कितनी पढ़ोगे, 2/π I0 है ना। कंप्लीट साइकिल कितनी होती है, 0। ऐसे तो अपने आप भी कर लोगे यार, निपटा करो। एवरेज वैल्यू तो हो गई, डन। हाफ साइकिल की एवरेज वैल्यू कितनी होती है, हाँ, और कंप्लीट साइकिल के लिए 0। पढ़ा करो, एग्जाम आने वाले हैं। स्कूल का कोई भी एग्जाम मत छोड़ो कभी भी, कहीं पे भी टेस्ट हो एग्जाम हो कभी मत छोड़ो, क्योंकि तो जितनी बार लड़ोगे ना, मैं कह रहा हूँ फेल हो जाओगे, लड़ोगे तो कम से कम तुमको आदत तो पड़ेगी एग्ज़ाम देने की। बच्चे वहाँ फंसते हैं जो पहली बार सीधा बोर्ड में चले जाते हैं एग्ज़ाम देने, पहली बार बोर्ड में जाएंगे पता नहीं हुआ नहीं हुआ। अब तुम एग्ज़ाम देते हो, तुम्हारे टीचर कॉपी करेक्ट करते हैं, तुम वहाँ पे गलतियाँ अपनी सीखते हो, कितनी गलतियाँ आई। नेक्स्ट चलो RMS वैल्यू ऑफ करंट। RMS को इंग्लिश में कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC, या समझो बात को इफेक्टिव वैल्यू ऑफ AC या वर्चुअल वैल्यू ऑफ AC। पहले तो दो तीन बातें समझ लो, कहीं पे लिखा होगा इफेक्टिव वोल्टेज इतना है, मैं करंट निकलवा रहा हूँ वोल्टेज से भी निकाल सकते हो, या वर्चुअल वोल्टेज इतना है, या RMS वोल्टेज इतना है। तो RMS रूट मीन स्क्वायर ही होता है। इसको दिखाएंगे कैसे, IRMS। IRMS कहोगे तो ये रूट मीन स्क्वायर काउंट होगा। पहले समझो बात को, हमें RMS फाइंड आउट करना है। IRMS, VRMS, ERMS, एक पहले मैं ख़त्म कर लो, ये होता क्या ये समझ लो। जो तुम्हारे घरों में वैल्यू आती है 220 वोल्ट, मैंने भी बताया 220 वोल्ट क्या है, एवरेज है, पीक है, RMS है, इफेक्टिव है, ये इफेक्टिव वैल्यू आती है। इफेक्टिव कहो या RMS कहो, अगर किसी भी न्यूमेरिकल में अगर तुमको नहीं देगा कि ये कौन सी है तो तुम समझ जाओगे इफेक्टिव है या RMS है। कहीं पे लिखा हो इफेक्टिव वैल्यू, RMS वैल्यू है। RMS वैल्यू होती क्या है, उल्टा चलो,
स्क्वायर करो, मीन करो, उसका रूट निकाल लो। जैसे मान लो मैं तुमसे सबसे पहले पूछूं कि हमारे पास कुछ करंट्स हैं आई वन आई टू एंड सो ऑन आई एन, इसकी आरएमएस वैल्यू बताओ। एन नंबर ऑफ करंट्स हैं, इनके में क्या चाहिए, आरएमएस वैल्यू चाहिए। तो उल्टा चलना है बिल्कुल, जिस तरीके समझाओ उस तरीके समझ लेना। इनका पहले स्क्वायर कर दो, कर दिया, क्या किया, स्क्वायर किया। अब इनका मीन निकाल दो, मीन तो ऐसे निकलता है, अब इनका अंडर रूट ले लो, रूट लगा दो। तो ये होता है आई आर एम एस, रूट मीन स्क्वायर। और शॉर्ट में अगर जब मैं लिखूंगा तो आई आर एम एस लिखूंगा मैं आई स्क्वायर के मीन का अंडर रूट। भाई बार लगाने का मतलब क्या है, उसका मीन। तो हमें आई आर एम एस का मतलब ये पढ़ना होगा, क्या पढ़ना होगा, आई स्क्वायर का मीन निकालना है, फिर अंडर रूट ले लेना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, पहले जल्दी से नोट करो फिर उसका डेरिवेशन कराऊंगा। तो क्योंकि कंप्लीट साइकिल के लिए ही निकलता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू या इफेक्टिव वैल्यू या वर्चुअल वैल्यू या आई आर एम एस लिखा होगा। तो क्या करोगे सबसे पहले बेटा बोलो, स्क्वायर करोगे, फिर मीन निकालोगे, फिर रूट। न्यूमेरिकल्स में और अच्छे समझ जाओगे। या सपोज करो मैं डेरिवेशन से पहले एक क्वेश्चन दे दूं तुमको, ये हमारे पास एक ग्राफ है, ये एक करंट का ग्राफ, ये जीरो है, ये टू एम्पियर है, ये टू एम्पियर था, वन टू थ्री, ये टाइम के साथ साथ करंट इक्वल अमाउंट में आगे बढ़ रही है। ठीक है, वन टू थ्री, तुमसे कहते हैं इसका आरएमएस बताओ, आरएमएस वैल्यू आप ऐसी बताओ। तो आरएमएस वैल्यू आप अगर ऐसी बतानी है क्या करो, ये आई वन हो जाएगा, ये आई टू, इसकी वैल्यू टू एम्पियर, इसकी भी टू एम्पियर, इसकी भी टू एम्पियर। आपको क्या चाहिए, आरएमएस चाहिए, आई आरएमएस चाहिए, क्या करोगे, टू का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर बाई थ्री, वैल्यू तो तीन है ना, चार चार आठ चार बारह बटा तीन चार, मतलब दो आंसर। नहीं आया समझ, तो अगर कभी ग्राफ इस तरीके से बना होगा तो अब आ गया आई आरएमएस निकालना, किस तरीके से निकालोगे, ग्राफ बना हुआ है, वैल्यू पुट कर दी, सीधे आंसर निकाल दिया हमने, क्लियर। नहीं नहीं, डेरिवेशन भी आ सकता है इसका, इससे दूसरे तरीके से वैल्यूज कैसे निकलेंगी, तो वो सारी चीज़ें हमें देखनी है। तो अब आरएमएस वैल्यू का डेरिवेशन समझो, किस तरीके से हम आईआरएमएस निकालते हैं, इसे मिटा दूं। देखो वी हैव, इसका डेरिवेशन थोड़ा ध्यान समझ लेना, आई इक्वल क्या होता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। सबसे पहले क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो पहले आपको क्या करोगे, तो बेटा स्क्वायर करोगे, आई आर एम एस मतलब आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब क्या करना है, मीन निकालना है, मीन निकालना है, तो मीन निकालने का तरीका बताया है तुमको, जीरो से टी आई स्क्वायर डी टी अपॉन जीरो से टी डी टी, सही है। यहाँ इंटीग्रेशन तुम्हारी समझ में आएगी कि तुमने कितना पढ़ रखा है इंटीग्रेशन। आई स्क्वायर का मीन जीरो से टी आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी अपॉन डी टी का टी अपर लिमिट से लोअर लिमिट। बेटा साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कैसे करोगे, अरे रट रखा वाल बने, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है वन माइनस कॉस टू एक्स बाई टू, होता है साइन स्क्वायर एक्स का वाला, यहाँ साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह वैल्यू पुट कर दो, आई नॉट स्क्वायर तो बाहर कर दिया, यहाँ टी माइनस जीरो बाहर हो गया, इंटीग्रेशन जीरो से टी वन माइनस कॉस टू ओमेगा टी अपॉन टू ओमेगा डी टी, यही तो होगा। तो
टू ओमेगा भी बाहर गया, आई नॉट स्क्वायर अपॉन ये टी इंटू टू ओमेगा, या इंटीग्रेट करो जीरो से टी डी टी माइनस जीरो से टी कॉस टू ओमेगा टी डी टी। कोई समस्या नहीं है। तो आई स्क्वायर का मीन आई नॉट स्क्वायर अपॉन टी इंटू टू ओमेगा, अंदर क्या बचेगा और cos का आ गया माइनस का sin 2 ओमेगा t अपॉन इसका dt t से 0 प्लस का sin आएगा माइनस बीच में जब माइनस माइनस हो जाएगा फुल माइनस cos sin माइनस का क्या कह रहे हो sin 2 ओमेगा t का जब इंटीग्रेशन करोगे तो sin 2 ओमेगा t अपॉन 2 ओमेगा t से 0 यहां देखना 2 ओमेगा ही आएगा सर 2 ही होना चाहिए यहां पे 2 ओमेगा लेकिन 2 आएगा सर ऑफ द 2 आएगा कौन हां तो सिंपल 2 आएगा ना कोई बात नहीं। तो आई नॉट स्क्वायर बाई टू टी टी माइनस जीरो साइन टू ओमेगा टी माइनस साइन जीरो सही है। तो आई स्क्वायर का मीन हमें मिल जाएगा आई नॉट स्क्वायर बाई टू टी टी माइनस 1 बाई टू ओमेगा बाहर किया स्टी की जगह क्या पुट करोगे 2 पाई बाई ओमेगा साइन जीरो कितना होता है ओमेगा से ओमेगा खत्म साइन 4 पाई कितना होता है जीरो साइन जीरो 2 पाई 4 पाई 6 पाई साइन एन पाई तो जीरो हो जाता है ना। आई नॉट स्क्वायर बाई टू टी टी माइनस 1 बाई टू ओमेगा जीरो माइनस जीरो तो ये टर्म तो पूरी जीरो हो गई। तो आई स्क्वायर का मीन क्या आ गया आई नॉट स्क्वायर अपॉन टू टी इंटू टी खत्म। तो आई स्क्वायर का मीन क्या आ गया आई नॉट स्क्वायर बाई टू हमें क्या चाहिए आई आर एम एस। तो अंडर रूट ऑफ आई स्क्वायर का मीन तो आ जाएगा आई नॉट बाई रूट सही है। इसकी थोड़ी सी और वैल्यू पे चले जाओ तो आई आर एम एस क्या जाएगा 1.414 इंटू आई नॉट डिवाइड कर लो इसको 14 जा ठीक है 0.707 आई नॉट। तो आई आर एम एस मिल जाएगा 70.7% ऑफ आई नॉट ठीक। सिमिलरली ई आर एम एस क्या मिल जाएगा e नॉट बाई रूट टू या वही मिल जाए ठीक नोट करो।